जिला मोगा दे पिंड समालसर च सधारण परिवार च जन्मी उपिंदरजीत कौर ने पीसीएस दी प्रीख्या विच पूरे पंजाब विचों अव्वल रह के पंजाब अते अपने मापिआं दा नाम रोशन कीता है। नतीजा आउंदे ही इलाके च खुशियां दा माहौल बन गया ते लोक उपिंदरजीत दे घर वधाइयां देण पहुंच गए हन। दस दईए कि उपिंदर कौर अपने माता पिता की इकलौती औलाद है अते उसदे माता पिता सरकारी अध्यापक हन। एक्चुअली मैंने जब रिजल्ट चेक किया तब देखा कि उपिंदरजीत कौर ब्राड, तो उसके बाद मुझे पीपीएससी की सेक्रेटरीज का कॉल आया, देवर कॉलिंग के आपको पहले बता दें, फिर उसके बाद मतलब तो उसके मैंने मेनली मतलब जब रिजल्ट देखा तब मुझे पता चला। सिविल सर्विसेज में आने का हमेशा से ही ड्रीम था, हमेशा से ही एक मतलब एम रहा है कि सिविल सर्विसेज में आना है, तो दिस वॉज फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आई थिंक। मैंने बीएससी ऑनर्स जूलॉजी और एमएससी ऑनर्स जूलॉजी पंजाब यूनिवर्सिटी से की है। प्रेरणा बेसिकली मेरे फादर साहब ने मुझे दी है, मतलब अभी मेरी फैमिली में तो कोई नहीं है जो इस सर्विसेज में गया हो, बट मेरे फादर साहब जिन्होंने मुझे मतलब मेनली प्रेरणा दी सिविल सर्विसेज में आने की। नहीं, मुझे हमेशा से एक फ्री स्पोर्ट दिया गया है कि जो आपने करना है, जो आप करना चाहते हो वो करो, कभी भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, सो दैट इज़ द मेन रीज़न फॉर सक्सेस। डेली मैं कहती हूँ कि कंसिस्टेंसी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैं डेली 8 घंटे के अराउंड पढ़ती थी और ये मतलब मेरी टाइमिंग थी। उस टाइम मतलब ये लग रहा था कि यहाँ पे रहना ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पे भी हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं, सो दैट इज़ द मेन रीज़न। जो बेसिकली जैसे एक लड़की होने के नाते, एक रूरल बैकग्राउंड से आने के नाते, मैं सबसे पहले ये चाहूँगी कि लड़कियाँ और आगे आएँ और आगे लोगों को आने का मौका मिले, सो दैट इज़ द मेन जो है, और लोगों की सेवा करना ये मेन एम होंगे। आई थिंक इंटरनेट इज़ द बेस्ट गाइडेंस और मेरे टीचर्स जो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया यहाँ तक आने में, और बेसिकली कंसिस्टेंसी जो चाहिए होती है कि प्रीलिम्स मेंस और क्या क्या आपको आंसर राइटिंग करनी है, टेस्ट सीरीज देनी है, दैट इज़ द की। दूसरी लड़कियों को यही संदेश है और उनके पेरेंट्स को भी, उनको पढ़ने का मौका दिया जाए और उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, लड़कियाँ कुछ भी कर सकती हैं। आई थिंक पेरेंट्स को लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए कि जहाँ पे वो पढ़ना चाहती हैं, जहाँ तक वो बढ़ना चाहती हैं उनको बढ़ने का मौका देना चाहिए, तभी सक्सेस आएगी। आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो अ गुड वे, पर अगर आपको लगता है कि आप यहाँ पे रह के कुछ अच्छा कर सकते हो तो इसको भी ऑप्शन मानना चाहिए, दैट इज़ नॉट द सोल ऑप्शन। वड्डी इह गल आ वी जिवें सिविल सर्विस दे विच अज कल बेटियां दी बहुत ज़्यादा लोड़ है, एक इकलौती बेटी होने करके मेरी इच्छा सीगी भी बेटी जिहड़ी हैगी आ वी सिविल सर्विस करके एक जाने कि समाज की बहुत ज़्यादा सेवा कर सकती हैगी, सारे इलाके की सेवा कर सकती हैगी, इस करके साडे इलाके लई जां साडे पिंड लई एक माण की गल आ। पढ़न दे विच पहलां तो बहुत हुशियार सी, सब तो पहलां इस नूं अखबार पढ़न की शुरू तो हैबिट सी, तो अखबार पढ़न के नाल नाल इस जानी जिहड़ा सीगी स्टडी सीगी काफ़ी सी, सिटिंग बहुत ज़्यादा सीगी, जिवें हुण भी लगातार 15-16 घंटे की जिहड़ी इहदी सिटिंग सीगी, इस करके ये लग रहा सीगा वी जिंदगी दे विच कोई ना कोई मुकाम जरूर हासिल करेगी। इस तरह जिवें आम तौर दे उत्ते एजुकेशन डिपार्टमेंट दे विच विचरदे आ, जदों सिविल सर्विस दे विच देखीदा हैगा, सिविल सर्विस का जिहड़ा रोल हैगा बहुत वड्डा, भावें कि जिहड़ा टीचिंग का रोल हैगा वह भी बहुत ज़्यादा है, परंतु जिहड़ी सिविल सर्विस दे विच इह उम्मीद सीगी जिहड़ी सर्विस आ ज़्यादा की जा सकती हैगी टीचिंग दे कंपैरेटिवली, इस लई कोई ज़्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पा, कारण इस तरह से क्योंकि इसकी सैल्फ स्टडी सी, इस करके इसनों घर ही ज़्यादातर पढ़ रही सी, सैल्फ स्टडी होने करके इसनों कोई ज़्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पा, जिहड़ा कि इन्हें बड़ा ही अपना आसानी के नाल जिहड़ा रैंक से वो हासिल कर लिया। असल दे विच तां इह जिहड़ा मेरा सुपना से वो पूरा हो गया सिविल सर्विस का, बाकी हुण इस दे उत्ते डिपेंड करता है भी इसने की करना हैगा, वो बाकी परमात्मा की मेहर आ, जो परमात्मा चाहेगा वो हो जाएगा। पेरेंट्स को पहला तो मैसेज देना चाहवागा भी जो कुड़ियों के मुंडियां दे विच कोई फर्क नहीं, क्योंकि मेरे तो इकलौती बेटी है, मैं इसनों हमेशा ही यानी बेटियां तो वध जानी समझदा हैगा, इस करके मैं कोई फर्क महसूस नहीं होंदा हैगा, बेटियां जिहड़ियां बेटियां नालों वध जिहड़ी हैगी तरक्की कर सकदी। मैं तो यही चाहता है जो समाज की वध तो वध जी है तरक्की हिस्सा पाए, समाज के जो दबे कुचले लोग है खास करके वो कहना इंपावरमेंट के लिए वध तो वध काम करे ता कि समाज की तरक्की हिस्सा पाया जाए। रीडिंग का बहुत शौक सी, बार पढ़ना इसकी एक हैबिट सी। नहीं, वह तो बहुत पुरानी गल है जी, कनेडा की फाइल सी जी तो पहला लगाई सी पी आर के तौर के उपर, पर उस तो बाद जानी कि बेटी का तो 1% भी मन नहीं, तो पहला तो ही जानी इधर रह के ही सर्विस करना पसंद करती सी, बेटी के नाल ही सी, हुण बेटी जब इत्थे रहेगी तो हुण तो कनेडा का कोई है ही नहीं जी।
ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਬਿੱਟੂ ਪੁਰਬਾ ਖਬਰ ਹਰ ਪਲ ਇੰਡੀਆ ਲਈ।